नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आप देख रहे हैं ट्रेडर्स ड्रीम। और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आदित्य बिरला सनलाइफ स्टॉक के बारे में, क्योंकि इस स्टॉक में लिस्टिंग के बाद से कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड दिखा है और आज के ट्रेडिंग सेशन में 7% से ज्यादा की गिरावट दिखी है और ऑल टाइम लो के प्राइस के पास ट्रेड होते हुए दिख रहा है। बहुत सारे लोग आप में से रहे होंगे जिनको आईपीओ अलॉट हुआ होगा या फिर मार्केट से बाइंग करा होगा, तो इस समय खुद को फंसे हुए महसूस कर रहे होंगे। तो आइए इस एपिसोड में जानते हैं कि इस समय इस स्टॉक को एवरेज करना चाहिए, फ्रेश बाइंग करना चाहिए या फिर आपने करना चाहिए अवॉइड। जहां SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के इनफ्लो ऑल टाइम हाई पे है, वहीं SIPs को देखने वाले SIPs का काम करने वाले स्टॉक ऑल टाइम लो या फिर 52 वीक लो पे ट्रेड होते हुए दिख रहा है। ऐसा बस आदित्य बिरला सनलाइफ में ही नहीं, HDFC, AMC और एडलवाइस जैसे स्टॉक्सों में भी आपको गिरावट देखने को मिल रहा है। आदित्य बिरला सनलाइफ लगभग 30% से ज्यादा की गिरावट इस स्टॉक में कंटिन्यूअस दिखा है। अगर इस स्टॉक के फंडामेंटल को देखें तो फंडामेंटल तो बहुत ही स्ट्रांग दिखता है, जहां इस स्टॉक का डिविडेंड यील्ड भी बहुत ही शानदार है, ROCE ROE above 20 है। लेकिन इस समय ये स्टॉक कंटिन्यूअस गिरावट में दिख रहा है। इस स्टॉक के गिरावट का सबसे बड़ा कारण, जो कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में भी साझा किया था कि उसका कारण ऑफर फॉर सेल है जो लगभग 100% था, जिसके कारण इस स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट दिखी है। वैसे तो ओवरऑल मार्केट ट्रेंड ही बियरिश है और उसके कारण जब भी मार्केट वीक या फिर गिरावट आता है तो वो स्टॉक सबसे ज्यादा गिरते हैं जो स्टॉक ऑल टाइम लो या फिर 52 वीक लो पे ट्रेड होते हुए दिखते हैं। जैसे अगर इस समय बात करें तो अमर राजा बैटरी, HDFC, AMC या फिर आप कैम्प्स देख ले या फिर ऐसे बहुत सारे स्टॉक जो निचले पायदान पे ट्रेड होते हुए दिख रहे थे, उसमें ज्यादा गिरावट दिखती है। इसीलिए जब भी मार्केट के अंदर गिरावट दिखे तो उसी स्टॉक को बाय करें जिसमें गिरावट कम हो या फिर अप ट्रेंड की ओर ट्रेड हो रहा हो। हालांकि वो सब बात छोड़िए, हम देखेंगे आदित्य बिरला सनलाइफ को। हमने आपसे पहले भी कहा था कि ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही अच्छा है, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से ये स्टॉक शानदार दिखता है, जहां एवरेज किया जा सकता है। लेकिन वहीं शॉर्ट टर्म के लिए आप इस स्टॉक को देखेंगे तो बिल्कुल आपको इस स्टॉक को करना चाहिए अवॉइड। हमने भी 700 के आसपास के प्राइस पे बाय किया था, 660 यानी 660 पे हमने कुछ लॉस बुक करे थे, जिसके कारण आज इस स्टॉक के अंदर खुद को परेशानी में मैं महसूस नहीं कर रहा हूं। अगर आपके पास ये स्टॉक पहले से होल्ड है तो इस प्राइस पे जो है लॉस बुक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अच्छा नहीं रहेगा, इस प्राइस पे आप लॉस बुक भी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए एवरेज में बने रहे। लेकिन इस स्टॉक को होल्ड करें, एवरेज करने की गलती इस प्राइस पे नहीं करें। एवरेज तभी करें जब वीकली ट्रेंड में ये स्टॉक अप ट्रेंड दिखाए, तभी एवरेज करने की कोशिश करें। नमस्कार, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। नमस्कार।